हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है IOCL से, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है 1968 पोस्ट के लिए, जिसे कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी गाइस, यहाँ पर आप सबके लिए फिर से वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए, मैं कुछ ही डिवीजन की जब वैकेंसीज आती है अप्रेंटिसशिप की, जैसे कि IOCL, ONGC, यानी कि ऑयल डिपार्टमेंट से जब भी आए निकले गाइस, तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करना। दैट इज़ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहां से हर साल परमानेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकलती रहती है, हर साल निकले ना, बिकॉज अभी पेंडेमिक में कुछ इशू है, लेकिन निकलती रहती है। और जब आप अप्लाई करोगे एज ए अप्रेंटिसशिप के बेस पे, तो आपको जॉब्स निश्चित ही मिलेगी गाइस। तो होपफुली ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, जितने भी कैंडिडेट हैं अप्लाई जरूर करें, लाइफ में एक बार अप्रेंटिसशिप जरूर करना अगर आप ITI पास आउट हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें सक्सेस दिलीप को, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। गाइज, अगर आप CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका टारगेट है 2021 में CTET क्रैक करना एक अच्छे परसेंटेज के साथ, हो होपफुली आप कहीं ना कहीं एक अच्छे एंड बेटर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, CTET की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, तैयारी का एक बड़ा हिस्सा होता है कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। आपको पता चलना चाहिए हमारी ऑल इंडिया रैंकिंग में हम कितने रैंक पर आते हैं, हमारी तैयारी में कहाँ पर कमी, कहाँ पर जो है वो मजबूत है, इसको जाँचने के लिए ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाएं गाइज। तो ऑनलाइन टेस्ट आजकल की डेट में काफ़ी कॉस्टली आती है, लेकिन मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने ऑलीबोर्ड, इंडिया बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, इन्होंने आप सबके लिए CTET मॉक टेस्ट तैयार किया है, बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, और बेस्ट एजुकेटर द्वारा ये क्रिएट किया गया है। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी पेड चार्ज देने की जरूरत नहीं है। कैसे पार्टिसिपेट करना है मैं बता रहा हूँ, एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, सबसे पहले रजिस्टर करके लॉग इन करना है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट दिखाई देगी, देख सकते हैं बिल्कुल, देन यहाँ पे एक पेपर पे क्लिक कीजिएगा, टेक्स्ट टेस्ट पे क्लिक करें तो आपकी देख सकते हैं इंट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ये देख सकते हैं आपकी टेस्टेड स्टार्ट हो चुकी है, ये बिल्कुल फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं गाइज। तो आज ही ज्वाइन करें CTET की फ्री मॉक टेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज की गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सेक्टर की एक बहुत बड़ी महारत्ना कंपनी से, वैकेंसी रिफाइनरी डिवीजन से निकाली गई है। नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत टोटली जो है वो फॉलो करने वाली है। चलिए, अब बात करते हैं कौन कौन सी ट्रेड एंड कौन कौन सी डिसिप्लिन में वैकेंसीज आउट की गई है। सबसे पहले यहाँ पे कोर्स जरूर चेक कर लें, यहाँ पे ट्रेड डिसिप्लिन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे रिफाइनरी आपको दिखाई जाएगी, जैसे कि बगल में आपको दिखाई दे रहा है, पीरियड दिखाई देगी नहीं, कितने मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग आपकी इसमें दिखाई देगी, उसके बाद इस यहां पर कैटेगरी वाइज दिखाई देगी। सबसे पहले वैकेंसी है ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन फॉर केमिकल के लिए, यहां पर 3 ईयर की BSc फिजिक्स मैथमेटिक केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मांगी गई है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BSc जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किया है ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वो अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस डिवीजन में ये सब सारी पोस्ट हैं यहाँ पर, जिसमें जो रिफाइनरी में अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर डिसिप्लिन एंड मैकेनिकल के लिए, जहाँ पर 10th पास ITI फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर पाएंगे, ये सब सारी डिवीजन में निकाली गई है रिफाइनरी में, और ये टोटली वैकेंसीज आउट की गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल के लिए, जहाँ पर 3 ईयर की आपकी BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर पाएंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी एलिजिबल है। टेट अपना जरूर देख ले कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उसमें वैकेंसी। यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन के लिए, जहाँ पर 3 ईयर की डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12 मंथ की यहाँ पर आपकी भी रहने वाली है, ये सब देख लें। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल में है, 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर पाओगे, ये वैकेंसी की डिटेल से। नेक्स्ट आपको मिलती है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, 3 ईयर की डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो भी किए, वेरियस रिफाइनरी से अलग अलग पोस्ट पर निकाली गई है, तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले वो यहाँ पर जरूर अप्लाई करें, ये सब क्या मैसेज आता रहता है यार। नेक्स्ट आपको मिलती है 107 में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंशन के लिए, तो 3 ईयर की जिसने भी इंस्ट्रूमेंशन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंशन कंट्रोल इंजीनियरिंग कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं, ये 12 मंथ की ये वेरियस ट्रेड है। नेक्स्ट ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जो कि 3 ईयर की आपने BA भी कर रखा हो, BSc BCOM वो सभी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सबके लिए मौका मिल रहा है IOCL में अप्रेंटिसशिप करने का। यहाँ पर 15 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी, जितने भी ये मैं बता रहा हूँ ये BA वाले।
ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट की, 3 ईयर की बीकॉम की हैं, ये सब में अप्लाई कर पाओगे, 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी। ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर, जहां पर 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 15 मंथ की ट्रेनिंग और वेरियस डिवीजन है। नेक्स्ट आपको मिलती है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल होल्डर के लिए, जहां पर 12 पास स्किल्ड होल्डर होना चाहिए, जबकि डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ऊपर जितने भी मैंने बात की हैं वो सारी डिसिप्लिन वाइज रखी गई है, क्वालिफिकेशंस आपने देख ली किसमें किसमें वैकेंसीज इनवाइट की गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया की, जितने भी कैंडिडेट 12 पास या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हैं वो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, HDSC हैं तो 45% भी चलेगा। वेगेबर जो रखा गया है लेटर ग्रेड एंड एविड, अगर आप 12 पास किए या फिर ITI फिटर डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन ये सब होनी चाहिए, ध्यान रखना किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से द्वारा, फिर ITI चलेगा, NCVT SCVT कहीं से भी किए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की मैं बात करूं 18 साल से लेकर 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, 31 अक्टूबर 2021 को आपको एज काउंट की जाएगी और जिसमें कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसे कि STSC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 ईयर्स का, जो कि सिमिलर गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिलती रहती है। यहाँ पर सिलेक्शन टोटली रिटन बेस पे होता है, रिटन एग्जाम्स होगा आपका, उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा, देन आपकी यहाँ पर जो है DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं चेकअप किया जाते हैं, फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी गाइस। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप एक ही रिफाइनरी में अप्लाई कर सकते हैं तो रिफाइनरी अपना चेक कर लीजिएगा। अप्लाई करने की जो फॉर्म है आपको फॉर्म कैसे फिल करनी, ओपन हो चुकी है 22 अक्टूबर से और 12 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। जो भी कैंडिडेट आप चाहते हैं कि फॉर्म अप्लाई करना है फॉर्म मैं बना दूंगा, आप चाहते हैं तो मैं देखिए शाम तक वीडियो आ जाएगी, जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि फॉर्म की वीडियो एक बार ज़रूर हमें कमेंट कर दें, और वैसे भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो गाइस। और यहाँ पे एग्जामिनेशन जो डेट है टेंटेटिव आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिटन टेस्ट के लिए, वो रखा गया 21 नवंबर 2021 को आपकी एग्जामिनेशन की, जो कि हो जाएगी टेंटेटिव, IOCL करा देती है। और यहाँ पर रखी पब्लिकेशन रिटन टेस्ट रिजल्ट की 4 दिसंबर तक और 13 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर में आपकी DV प्रोसेस करा ली जाएगी। तो ये सब सारी डिटेल्स है, नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अप्लाई कर लेना और देख भी लेना। अगर आप चाहते हैं फॉर्म की वीडियो तो हमें एक बार कमेंट कर देना, शाम तक आ जाएगी वीडियो। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए अच्छा मौका है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा आप, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।